मैं सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हुजूर गनी नवाज़ की बारगाह के अंदर में उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके मुरीदों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुशाबाद रखें, अपनी जमा में अपनी पनाह में रखें और सकलैन मियाँ साहब का सेहत अता फरमाए, सारे मुरीदों के सर पे उनका साया हमेशा कायम और दायम रखें। मौला के सदक़ा तुफ़ैल में, हुजूर गनी नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल में और सरकार की बारगाह के अंदर में, हुजूर गनी नवाज़ की बारगाह के अंदर में भी हाजिर होने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। माशाल्लाह मालूम हुए पीर सैयद सकलैन मियां हुजूर की आज जश्न विलादत है, तो माशाल्लाह आपके चाहने वाले अफ्रीका के अंदर भी बहुत हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका फैज़ मजीद आम फरमाए। यहाँ से भी आपके मोहब्बत करने वाले आपको जो है जश्न विलादत पर मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह करीम आपका साया मजीद दराज फरमाए। मैं सैयद अतहर अली नाज़िम आला सुन्नी दारुल उलूम मुहम्मदिया पीर तरीक़त रहनुमाए शरीयत हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर, जिन्होंने बड़ी ख़ामोशी के साथ दीन मिल्लत की खिदमत अंजाम दी, सकलैन एकेडमी और इस तरह से उनका लंगर बहुत मशहूर चीज़ें, यही वजह है कि इस खामोश खिदमत की वजह से लाखों मुरीदीन मुतकिदीन आपके इस दुनिया में मौजूद हैं। 13 मार्च को आपका यौम विलादत है। हम दुआगो हैं कि रब्बे करीम आपकी उम्र दराज फरमाए और आपका साया सबों के सरों पर ता देर बाकी रहे, और हम उनके साथ साथ उनके तमाम मुरीदीन व मुतकिदीन लाखों मुतवस्सिलीन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको ऐसा अजीम रहनुमा मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि पीर तरीक़त जनाब हज़रत सकलैन मियाँ साहब, जिनके एक दो नहीं लाखों मुरीदीन हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इनके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, ये काम अल्लाह के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। और इन्होंने जिस तरह से इज्तिमाई शादियों का बंदोबस्त किया हुआ है, 70-70, 80-80 जोड़ों की शादी कराते हैं, जो आज मुसलमानों के लिए अहम ज़रूरत है, इसकी एजुकेशन में तालीम में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की पसमानदगी है और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो शख्स आज तालीम में काम करे, मैं समझता हूँ समाज में उससे ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल कोई हो ही नहीं सकता। मैं दिल की गहराइयों से सकलैन मियाँ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको इस काम का जज़ा दीन और दुनिया दोनों में देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एजाज़ अहमद कश्मीरी, खतीब व इमाम, हांडी वाली मस्जिद, नायब सदर सुन्नी जमीयत उलमा अहले सुन्नत मुंबई की जानिब से पीर तरीक़त हज़रत शाह सकलैन मियाँ अल मारूफ मियाँ हुजूर को उनकी तारीख विलादत जो अरबी एतबार से 19 जमात सानी इंग्लिश तारीख 13 मार्च को आती है, दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुफ़ैल, उनकी आल के सद के तुफ़ैल, असहाब के सद के तुफ़ैल, तमाम औलिया कराम के सद के तुफ़ैल, मियाँ हुज़ूर को दराज़ उम्र अता फरमाए और उनसे दीन और सुन्नियत की खिदमत लेता रहे। जो वो काम कर रहे हैं खिदमत खल का, वो काम लेता रहे और उनके तमाम कामों को कबूल फरमाए और उनके तमाम लोगों को जो उसमें दावत इस्लामी हिंद के तहत चलने वाले इदारा जामतुल मदीना फैजान कंजुल ईमान का मुदर्रिस याहिया रजा अर्ज कर रहा हूँ। बड़ी मसरत और खुशी की बात है कि आज पीर तरीकत हजरत सकलैन मियाँ साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लतुल आली का यौम विलादत है। मैं उनके यौम विलादत पर उन्हें कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे दीन और सुन्नियत की खूब खूब खिदमत ले और उनके ज़रिए कौम मिल्लत को खूब खूब तरक्की मिले। अल्लाह तबारक व ताला उनके साया आतिफत को खूब दराज फरमाए और उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अनीस अत्तारी, हांगकांग, दावत इस्लामी। माशाल्लाह ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि हुजूर पीर तरीक़त सैयद सकलैन मियाँ साहब
दामत बरकातुम आलिया की योम पैदाइश का मौका है। अल्लाह तबारक व ताला इनके वजूद बासआदत से हम तमाम आशिकान रसूल को मुस्तफिज फरमाए। मेरी तरफ से और हांगकांग के आशिकान रसूल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोज़ंबीक से दावत इस्लामी का एक अदना सा बल्लिग दीन मदीन की खिदमत के लिए मरकज़ के हुक्मरान यहाँ पर हाजिर हैं, और आज पता चला हजरत शामिया सकलैन दावत बरकातुल कुदसिया अल मारूफ मियाँ हजूर दावत बरकातुल आलिया इनका जश्न विलादत है। तो आपको जश्न विलादत मियाँ हजूर दावत बरकातुल आलिया बहुत बहुत मुबारक। आपके दीन को भी आपका जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक। आज गोया कि वो दिन है कि जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को एक नेमत से सरफराज फरमाया, एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई जिसने दीन मदीन की खूब खिदमत की और खल्के खुदा की दिफाई तौर पर भी खूब खिदमत सर अंजाम दी और दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी के ज़रिए और लंगर खाने के ज़रिए और मुस्तहिक घरानों की गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाने के ज़रिए दीन मदीन की खूब खूब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मुरीदों को भी आपके साथ मिलकर खूब खूब दीन मदीन की और खल्के खुदा की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम मुरीदीन को सबको जश्ने विलादत मियाँ हुजूर दामत बरकातुल आलिया बहुत बहुत मुबारक हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम, मैं अब्दुल रहमान अंसारी विकली तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 13 मार्च को हुजूर सकलीन मियाँ की योम विलादत का तारीख है। मैं हजरत की लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, और शाह सकलीन एकेडमी की तरफ से हर साल मुंबई शहर में गरीब बच्चियों का निकाह किया जाता है, और काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को मदद की जाती है, ज़रूरतों की चीज़ दी जाती है सकलीन एकेडमी की तरफ से। मैं हजरत की लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र दे और उनका साया हमें हमेशा हम पे रखे, आमीन। मैं भाई जगताप मुंबई प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के नाते मेरी बहुत बार मुलाकात हजरत मियाँ सकलेन शाह साहब से बहुत बार मेरी मुलाकात हुई, और चाहे वो समूह लगन हो चाहे वो कौम के बाकी सारे प्रोग्राम हो, बहुत बार मैंने उनसे मुलाकात की है, और मुझे खुशी होती है इस बात की कि आने वाले 13 तारीख को उनका उन्हें विलादत है। मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, और खुदा से मैं इंतजार करता हूँ कि उन्हें वो सारा जो कौम का काम कर रहे उन्हें ताकत बख्शे, उन्हें उम्र दराज करे, और उनका हर काम उन्हें कामयाबी मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी अराफात शेख खास तौर पर हजरत शाह सकलेन साहब के जन्मदिन के ऊपर खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनको खूब लंबी हयाती दे, और सरकार पीर मखमली के पूरे सिलसिले की तरफ से शाह सकलेन साहब को खास खास लंबी उम्र की दुआएं करता हूँ। अल्लाह उनका साया हम पे और उनके सारे मुरीदों पे हमेशा कायम और दायम रहे, और उनकी दुआओं